यूपी के सिपाही ने दिखाई ऐसी ईमानदारी तो हर कोई करने लगा तारीफ। शिक्षक की आंखों में आए आंसू। पुलिस को कोसने वाले ये खबर जरूर देखें। हर पुलिस वाला एक सा नहीं होता। 2 लाख रुपए के नए नए नोट भी नहीं डिगा सके सिपाही का ईमान, अब दिया जाएगा खास सम्मान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर समय समय पर तरह तरह के आरोप लगते रहते हैं। कभी पीड़ित और आरोपियों से पैसा लेकर कार्रवाई करने की बात सामने आती है, तो कभी कोई और आरोप लगता है। लेकिन आज जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं, उसे देखने के बाद आप पुलिस के सिपाही की तारीफ करते नहीं थकेंगे। जी हाँ, यूपी के चंदौली जनपद की पुलिस लाइन में तैनात एक सिपाही ने कुछ ऐसा काम किया है कि अब जमकर तारीफ हो रही है। दरअसल चंदौली जनपद के धानापुर थाना क्षेत्र के हिंतुलगढ़ निवासी पेशे से शिक्षक जयराम सिंह शनिवार को एक छोटे से बैग में 2 लाख रुपए लेकर जा रहे थे। वो अपने परिचित व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान उनका बैग उनके हाथों से छूट गया और उन्हें पता ही नहीं चला। बैग गिरने के थोड़ी ही देर बाद परिचित व्यक्ति उनके पास आ गए और वो 4 पहिया गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गए। इसी दौरान पुलिस लाइन के गेट पर संतरी ड्यूटी पर तैनात सिपाही अन्नत सिंह की निगाह वहां पहुंची। उसने तुरंत बैग को संदिग्ध मानकर उठाया और पुलिस को बुला लिया। सिपाही ने बैग खोला तो उसमें 2 लाख रुपए रखे हुए थे। बैग में पैसों के अलावा कुछ कागजात भी थे। इसके बाद सिपाही ने कागजातों के आधार पर इसके मालिक को फोन पर सूचना दी। जयराम को जब पता चला कि उनका पैसों से भरा बैग पुलिस लाइन गेट पर छूट गया है, तो वो भी परेशान और हैरान थे और इसको खोजने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वो तुरंत ही भागते हुए वापस पहुंचे और फिर उन्हें जैसे ही ये बैग मिला, उनकी आंखों से आंसू झलक आए। बैग मिलने के बाद वो रोते हुए नजर आए। उन्होंने अपने रुपयों को गिना और सिपाही को धन्यवाद कहा। उनकी आंखें भर आईं और बोले, अभी भी ऐसे ईमानदार लोग हैं जो इतने पैसे पाने के बाद खुद से वापस लौटा देते हैं। उन्होंने न केवल पुलिस की तारीफ की बल्कि सिपाही को सम्मानित भी किया और पुलिस महकमे से मांग की कि ऐसे सिपाही को बड़े स्तर पर सम्मान मिलना चाहिए।